morning students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today in English class we do alphabets, small alphabets, okay? हमने three lines online classes के अंदर की थी. अगली line हम आज सीखेंगे. पहले हम पिछली lines की revision करते हैं. F, A, B, B, K, C, D, G. F, E, F, F, G, G, H, H. F, I, J, J, K, K, L, L. इसकी proper formation होनी चाहिए. आज हम करेंगे next line. M, M. आपने between वाली line से ये जो third line होती है वहां से स्टार्ट करना है. नीचे से मतलब कर्व बनाया, वन टाइम नीचे, सेकंड टाइम नीचे और थ्री टाइम नीचे, ठीक है. आफ्टर दैट आपने क्या करना है, टू फिंगर्स का गैप रखना है. न एन, यही सेम फॉर्मेशन है. कर्व बनाइए, ठीक है, वन टाइम नीचे जैसे वन बनाते हैं, फिर से ज्वाइन करके सेकंड टाइम नीचे. एम में थ्री और N में टू बार, M N O, टू फिंगर का गैप. कर्व बनाएं, छोटी सी C बनाएं, फिर वापस हमने आ जाना है. C बनाते हुए इसको राउंड गोल घुमा देना है. O P कर्व बनाना है. फोर लाइंस में होती है ये P. फिर वापस यहां से हमने पेंसिल नहीं उठानी, वापिस चले जाना है और यहां पर आके ऐसे गोल घुमा देना है. म एम, न एन, ओ ओ, प पी. इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है. जितनी भी नीचे लाइन बच जाएंगी आपके पेज पे वहां पर आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, एम एन ओ पी, म न ओ प, ठीक है जी. ओके, बाय बाय.